नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। दरअसल उत्तराखंड कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए भेजी गई खाद का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जो खाद किसानों के लिए पौड़ी क्षेत्र में भेजी गई थी, वो खाद जो है वो सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि इस मामले में अब कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फौरन एक्शन लेते हुए कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, जिसका शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। देश में एक तरफ किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर तमाम योजनाएं चलने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में किसानों के लिए ही योजना के तहत दी जाने वाली खाद के दुरुपयोग का यह मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह थी कि किसानों को जिस खाद का वितरण किया जाना था, वो खाद किसानों तक ना पहुंचाकर सड़क पर फेंक दी गई थी। ये मामला संज्ञान में आने के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आनन फानन में अधिकारियों को जांच के आदेश दिए, साथ ही संबंधित अधिकारी को निलंबित करने का फरमान सुना दिया। दरअसल शासन के आदेश के मुताबिक जैविक कृषि निवेशों को किसानों को वितरित करने के संदर्भ में लापरवाही बरती गई, किसानों के लिए चलाई गई योजना को भी प्रभावित किया गया, साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। आदेश में लिखा गया है कि इसकी वजह से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। ऐसे में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी को देखते हुए जिम्मेदारी तय कर निलंबन के आदेश दिए गए हैं। वहीं निलंबन के दौरान कृषि अधिकारी अरविंद भट्ट अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मंडल कार्यालय में संबंध रहेंगे। उधर मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मामले में विस्तृत जांच की जाएगी, मामले में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। वहीं मंत्री जोशी के आदेश के बाद शासन ने मामले में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को निलंबित करने की संस्तुति दे दी है। देखिए, अरविंद भट्ट कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार, कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी मिली, नमामि गंगे के तहत जो खाद किसानों को तक पहुंचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके द्वारा मात्र रोड पर डालकर छोड़ दिया गया। जब उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने DG रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए, और आज इसको हमने निलंबित कर दिया। बात उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की भी कर लेते हैं। दरअसल दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। बता दें कि 14 मार्च 2023 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया गया था। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया। सत्र के दौरान ही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि नियम के तहत निलंबन नहीं किया गया है, सरकार की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव नहीं रखा गया, इसलिए निलंबन गलत था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन को वापस ले लिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण में कांग्रेस विधायकों का कुछ घंटे के लिए निलंबन हुआ था, जिसको आज हमने खारिज कर दिया है। वो आप लोगों को पता ही है कि गैरसैंण में निलंबन हुआ था, वो कुछ घंटों के लिए हुआ था, उसके बाद जो उस समय अवधि के लिए हुआ था उसको मैंने निरस्त किया। उत्तराखंड विधानसभा के सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो यशपाल आर्य मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, उनके रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को असंवेदनशील बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड विरोधी है और सरकार ने कई बाहरी लोगों को लीज और पट्टे पर जमीन मुहैया कराई है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष सरकार के जवाब से नाखुश है और सरकार के पास बहुत बड़ी फौज है, और सरकार चाहती तो उच्च न्यायालय जा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा होता तो पीड़ित परिवारों को जरूर इंसाफ मिलता। उन्होंने कहा कि जो सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती, उसे कोई हक नहीं है कि वो लोगों का हक छीन ले। गलत है, सरकार नहीं चाहती है कि जो बेरोजगार हैं, जो कोविड काल के दौरान जिन्होंने अन्य राज्यों से आए हुए नौजवान बेरोजगार नौजवान हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, जो वर्षों से बसासत जिनकी है, आज उनको उजाड़ने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि ये सरकार उत्तराखंड विरोधी सरकार है, और निश्चित रूप से कई ऐसे मामले हैं जिसमें इन लोगों ने उत्तराखंड से बाहर के लोगों को
बिना निशुल्क लीज पट्टे पर लीज पर जमीनें दी हैं, कई उदाहरण हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनके साथ जाति जुल्म करने से सरकार परहेज नहीं कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इस लड़ाई को सदन में भी लड़ा है और सड़क में भी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले साल देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका एक साल पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बात की हमारे सहयोगी अजहर मलिक ने। दो हजार चौबीस के चुनाव को लेकर राजनीति हलचले तेज हो रही हैं। यार राहुल गांधी ने एक बार भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकानें खोलना शुरू करी थी, उसी की वर्षगांठ एक बार फिर कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी मौजूद हैं। आज वर्षगांठ किस रूप से बनाए जा रहे हैं उस पर सवाल करते हैं। अजीज कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से वर्षगांठ कांग्रेस बना रही है इस बार? आज से एक साल पहले जब मुल्क में शमशान की सी खामोशी थी, पूरे देश में डर और खौफ का माहौल था, ऐसे माहौल को ख़त्म करने के लिए और फासिस्ट ताकतों को ये संदेश देने के लिए कि भारत जोड़ो नारा, भारत मोहब्बत का देश है, इस मुल्क में सभी लोग आज तक हजारों हजारों साल से मोहब्बत के पैगाम के साथ जीवन जीते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुल्क को क्षेत्र के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर बांटने का जो प्रयास किया था, और ईडी सीबीआई जो समाज दुश्मन ताकतें कहूँगा मैं आज, ईडी को जिस तरह का ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये देश और समाज के दुश्मन हैं हमारी नज़र में, उनको मैसेज देने के लिए और बेजबानों को जबान देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत का पैगाम के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो पद यात्रा करके जिसमें लाखों लाख करोड़ों लोग शामिल हुए और राहुल गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को सहयोग किया, समर्थन किया, आज उसी का नतीजा है कि पूरे मुल्क का अपोजिशन यूनाइट है और इस फासिस्टों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वक्त का इंतज़ार पूरा मुल्क कर रहा है। आज उसी पदयात्रा को या उसी संदेश को जिसको लेकर एक साल पहले माननीय राहुल गांधी भारत जोड़ यात्रा के लिए निकले थे, वो उसकी वर्षगांठ है। उसमें समाज, हम कांग्रेस के लोग सभी काशीपुर के साथी राहुल गांधी की उस यात्रा को, राहुल गांधी के हौसले को, जज्बे को सलाम करने के लिए जमा हुए हैं। जहां सत्ताधारी पार्टी विपक्ष न होने के नारे देती थी, वहीं भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक बड़ा विपक्ष के रूप में तैयार कर दिया गया है। राहुल गांधी के लेकर अब कांग्रेसियों ने नारा दिया है कि ये राहुल नहीं आंधी है और देश का दूसरा गांधी है, उसी को लेकर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है इस वर्षगांठ को लेकर कुरेश, क्या कुछ कहना है इस वर्षगांठ को लेकर? कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विगत एक वर्ष पूर्व कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर पूरे देश के अंदर घूमी है। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलकर विपक्षी पार्टियों को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अब नफरतों का दौर हिंदुस्तान से चला गया, आइए मोहब्बत की दुकान आरंभ करें। कांग्रेस का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी संदेश को लेकर कांग्रेस देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान की गली मोहल्ले में इस नारे को बुलंद करती है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी लोगों की आंखों की एक किरकिरी है, क्योंकि वो उनकी नफरत की दुकान को जवाब देने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलकर आप लोगों के बीच विपक्ष के सामने सीना तान कर खड़ा है। किस तरीके से फ़ायदा मिला है इस यात्रा को लेकर देश को जोड़ने के लिए? देश के वासियों को ये पता चला है कि जो विपक्ष के लोग, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक
धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देकर देश का विखंडन करने की कोशिश करते हैं, देश की सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देकर देश के लोगों को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से ये संदेश जाता है कि अब विखंडन और सांप्रदायिकवाद की राजनीति नहीं चल पाएगी। यात्रा का आज वर्षगांठ की यात्रा को लेकर एक कांग्रेसियों में जश्न था, कहीं ना कहीं बीच में एक दुखद समाचार इनके बीच में आ गया जहां यात्रा को वर्षगांठ के प्रोग्राम को डिनाइट करना पड़ा है, जिसके बाद क्या कुछ कहना है युवाओं नेता का राहुल कांबोज, राहुल रवंदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है उसको लेकर युवाओं का क्या मानना है और किस तरीके का माहौल है देश में? देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा का एक साल लगभग हो चुका है, आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। आज युवा कांग्रेस द्वारा मुख्य चौराहे पर शरबत बांटकर मोहब्बत की दुकान लगाकर आम जन को शरबत बांटा गया और एक मोहब्बत का पैगाम दिया गया और ये बताया गया कि जिस तरीके से देश में जो धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उससे कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकालकर, राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा निकालकर, और जिसमें देश के तरह तरह के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, भाषाएं सब उसमें सब सम्मिलित थी, उसमें सभी तरीके के लोग सम्मिलित थे, उससे ये मैसेज दिया गया कि ये देश प्रेम का देश है, इस देश में किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक उन्माद, कोई भी धार्मिक ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा का देश के अंदर बड़ा प्रभाव देखने को मिला, राहुल गांधी की छवि एक बार फिर उभर कर सामने आई है, जहां कांग्रेस की गुटबाजी को भाजपा अच्छे से भुनाती थी वही गुटबाजी अब भाजपा में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितना कारगर सिद्ध होती है। अजहर मलिक, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार के हमलों में इजाफा देखने को मिला है। गुलदार के हमलों की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में बीएफोर्स को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे आदमखोर गुलदार को चिन्हित किया जाए और उनको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए, लेकिन अगर स्थिति उससे बाहर हो जाती है तो उनको सीधा समाप्त कर दिया जाए। मंगलौर के ठोई गांव में भी गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। गुलदार के आतंक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठोई गांव के जंगलों में कई बार गुलदार देखा जा चुका है और खेतों में भी गुलदार के पैरों के निशान मिले हैं। ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि उपप्रभागीय वनाधिकारी साधुलाल ने बताया कि कई दिन से ठोई गांव के जंगलों में गुलदार होने की जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया, लेकिन अभी तक गुलदार के होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी लगातार क्षेत्र गश्त जारी है और विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ये अभी लगभग 15 दिन से हमारे गाँव में शोरगुल है कि एक जंगली जानवर है, उसके साथ कोई बच्चा भी है और 2-3 आदमियों ने जो देखा है उसकी पुष्टि करी गई है गुलदार के रूप में। वो गुलदार देखा गया, एक बच्चा, वो छोटा एक बड़ा, इसी वजह से लोग खेत में जाने से भी बहुत परेशान है। घास नहीं मिल रहा पशुओं को और लोग बाग जो खेत में भी नहीं जा रहे, दहशत का माहौल। वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, 2 बार सूचना भी दे ली थी, वो फोटो कैप्चर करके लेके गए, वो वहाँ से फोटो में उन्होंने अब तक यही पुष्टि नहीं करी गुलदार का है या शेर का है पैर। मामला ये हुआ उस दिन से बरखा लागू हुई थी, ज़्यादा पानी आया था, ये जानवर बड़ों में तो यहाँ आकर इन्होंने आतंक भी क्या रखा, कोशिश पाटने तोड़ने कर रहे लोगों को, रस्ते में बैठे 20-20 आदमी इकट्ठे हुए गए, जहाँ घास ले नहीं तो यहाँ डंगर भी भूखे मिल गए, पानी नहीं फेर सकते रात को, वो खत्म हो गया कहने का। रात को घर पर डर लगे क्या, कतों का दिन में जंगल में लगो करा क्या, कार रवि कुछ भी कर लो, पिंजरा पांजरा करके ऐसे यहाँ तो ले जाओ। ये विगत 3-4 दिनों पहले जो मेरे को सूचना मिली थी और मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया था वहाँ पर, हमने टीम गठित की वहाँ पे, जो सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर की अध्यक्षता मैंने एक टीम गठित की और वहाँ पे गांव में हमने भेजी है, गांव वालों को प्रॉपर सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भी जो है गुलदार की आवाज़ है कि हमें संकेत नहीं मिले वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम गांव वालों के साथ, ठोई गांव है, शिकारपुर है, जितने भी वहाँ पे आसपास में गाँव हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने संपर्क बना रखा है। हम रात को जो रात्रि गश्त करते हैं, कहीं पर भी इस तरह की घटनाएँ होती है तो हमारा पूरा सहयोग स्थानीय लोगों के साथ है।
उत्तराखंड में बीजेपी वोटर चेतन अभियान चला रही है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गदरपुर में वोटर चेतन महाअभियान के संयोजक गौरव शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान गौरव शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य 18 साल की उम्र पूरी कर चुके और जिनके 18 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी से जोड़ने और उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाने के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वोटर चेतन महाअभियान चलाया है, जिसके लिए बूथ लेवल तक तैयारी की गई है। मुख्य रूप से वोटर चेतना महाअभियान, इसका उद्देश्य हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना और मजबूत करने की स्थिति में जो मतदान की स्थिति है, मतदान का महत्व है और मतदान को लेकर जो जागरूकता समाज में रहनी चाहिए, उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। इसके अंदर से जो हमारे ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली है, ऐसी बहनें हैं जो युवा हैं और जिनका वोट पहली बार बन रहा है, उन सभी लोगों को जोड़ना। नगर के खटीमा में नशे के खिलाफ लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। दरअसल नशे के खिलाफ लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो उधम सिंह नगर के खटीमा में इस्लाम नगर गौटिया के जिम्मेदार लोगों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए मदरसा गौसिया के प्रबंधक मौलाना इरफानुल हक की अगुवाई में उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि इस्लाम नगर वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक और वार्ड नंबर 15 चंद्र वाटिका में स्मैक, चरस और अन्य नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री की जा रही है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार से युवा पीढ़ी और उनके परिवार तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, साथ ही क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। वहीं उन्होंने नशे के कारोबारियों के नाम और लिस्ट सौंपते हुए ज्ञापन में लिखा है कि नशा कारोबारियों और उनके परिवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने, कारोबार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और कारोबारियों के घरों को सील करने की गुहार लगाई है। साथ ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक संगठन, सभासदगण, मुस्लिम धार्मिक उपदेशक और मुस्लिम अधिवक्तागणों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया, ताकि युवा पीढ़ी और उनके परिवारों को बर्बाद और तबाह होने से समय रहते बचाया जा सके। आज हम तमाम खटीमा और इस्लाम नगर के जिम्मेदार लोगों ने नशे के खिलाफ एक ज्ञापन माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को दिया है। नौजवान बच्चों में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही, जिससे आने वाली नस्ल बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो रही। इनकी सेहत और इनकी तालीम दोनों से ये लोग वंचित होते जा रहे हैं। हम लोगों ने आज यही ज्ञापन दिया है कि जो लोग नशे का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि ये नशा बंद हो और आने वाली जो नस्ल है वो हमारे वार्डवासियों द्वारा मेरे को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर इस्लाम नगर में कई लोगों द्वारा अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। उनको कुछ उनके नाम भी दिए गए हैं, इसमें हम जाँच करेंगे और पुलिस को भी कहेंगे इसमें लगातार दबिश करें और ऐसे जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, इसमें हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो नशे का जो खेल है ये बहुत ही बुरा असर डालता है हमारे समाज में और हमारी युवा पीढ़ी से बर्बाद हो रही। तो मैं पुलिस विभाग को भी इसमें निर्देश करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रभावी। नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोगों का मुफ्त इलाज किया गया, साथ ही जिन लोगों को जरूरत थी उनमें दवाइयां भी बांटी गई हैं। तो नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में आयुर्वेदिक यूनानी विभाग और होम्योपैथिक के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य कैंप का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोगों से पीड़ित 253 रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। देखकर होम्योपैथी के माध्यम से नरेंद्र नगर सामुदायिक विकास भवन में एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का निःशुल्क दवाई दी जा रही है। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सभी की जांच, शुगर जांच और बीपी की जांच सब फ्री होगी यहाँ पे और सब लोगों को यहाँ पे काफ़ी राहत मिली है। मेनली एक जनता के लिए अवेयरनेस कैंप है, ये बताने के लिए कि आयुर्वेद में सिर्फ दवाई नहीं है, बहुत सारी थेरेपीज भी हैं जिनके द्वारा आपके असाध्य रोगों को भी साध्य किया जा सकता है। जहाँ आपको कहीं इलाज ना मिले
इसके लिए एक बार जरूर आप आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ जरूर देखें। बहुत सारी थेरेपीज हैं, और जगह आप जाएंगे आपको सिर्फ मेडिसिन देके भेज दिया जाएगा। हम आपको कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी बता रहे हैं जिससे आपको डेफिनेटली, जिन बीमारियों से आप बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। यही अवेयर कर रहे हैं, और इस समय जैसे डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, उसके लिए हम लोगों को प्रोफाइलेक्टिक में मेडिसिन भी दे रहे हैं कि लोगों का बचाव हो सके। यहाँ नरेंद्र नगर टाउन हॉल में ये आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक विभाग के संयुक्त प्रयास से तथा हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं नगर पालिका के, उनके मार्गदर्शन तथा हमारे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टीरी गढ़वाल के निर्देशन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आज यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों विभागों ने बढ़ चढ़कर अपना यहाँ पे जो है अपना सहयोग दिया है। और आज नरेंद्र नगर की जनता ने काफ़ी आकर यहाँ पे ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन आदि की जांच कराई तथा निःशुल्क औषधियाँ भी प्राप्त की। और सुबह सुबह हमें प्रातःकाल में हम लोगों ने यहाँ योगा का भी एक सूक्ष्म कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उधम सिंह नगर के उपजिला अस्पताल से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। उधम सिंह नगर के उपजिला चिकित्सालय ने इन दिनों अखाड़े का रूप ले लिया है, क्योंकि डॉक्टरों और आशा कार्यकर्तियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो कि आशा वर्कर्स ने अस्पताल के चिकित्सकों पर गर्भवती महिला को गर्भवती ना होने जैसा गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद डॉक्टर की टीम भी हरकत में आई और मीडिया कर्मियों को आरोप से रिलेटिव प्रमाण पत्र दिखाया, जिसमें चौंकाने वाला सच सामने आया है। पूरे मामले की जब उत्तराखंड तक माफ कीजिएगा जब पूरे मामले को लेकर के हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, तब डॉक्टर वर्सेज आशा कार्यकर्ताओं का पूरा सच सामने आया है। मरीज कई तरह के आरोप लगाते हुए आशा कार्यकर्ताओं पर भी नजर आए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीसी स्टार न्यूज के साथ।